न्यू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर डीसी मशीन के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए फोर पोल डीसी मोटर इज लेप उन्ड विथ 400 कंडक्टर। द पोल शू इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर वन पोल पिच इज 0.4 टेस्ला। द आर्मेचर डायमीटर बीइंग 30 सेंटीमीटर फाइंड द टॉर्क एंड ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड व्हेन द मोटर इज ड्रॉइंग 25 एम्पियर एंड रनिंग एट 1500 आरपीएम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन जान लें कि हमारा जो डीसी मोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पर जो आउटर पार्ट होता है डीसी मोटर का वो होता है योक, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा पोल लगा होता है। अगर मैं टू पोल की बात करूँ तो इस टाइप का लगा रहता है पोल, और यहाँ पर बीच में लगा होता है आर्मेचर, ठीक है। यहाँ पर स्लॉट कटे होते हैं आर्मेचर में, ठीक है, जिसमें कंडक्टर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आर्मेचर का डायमीटर गिवन है, ठीक है, वो है 30 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पे पोल शू का जो लेंथ है कितना लॉन्ग है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि पोल शू किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक साइटिंग क्वाइल लगा होता है, यहाँ तक क्लियर है, और इसे हम बोलते हैं पोल शू, ठीक है। और यहाँ पर जो पोल शू का 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है मीन्स ये पोल शू का लेंथ गिवन है, हमारा कितना लेंथ है तो वो है 20 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी गिवन है हमारा वो है 0.4 टेस्ला, ठीक है। और एक यहाँ पर कंसीडर किया है क्वेश्चन में पोल पिच, तो पोल पिच क्या होता है ये देख लेते हैं। पोल पिच, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जब बनाए थे मशीन का तो यहाँ पर ये जो पोल है दो पोल का कंस्ट्रक्शन है, तो दो पोल का जो सेंटर है, एक पोल का जो सेंटर ये है और ये सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो पेरिफेरल डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं पोल पिच, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर पोल है। सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल के बीच का जो पेरिफेरल डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं पोल पिच, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोल पिच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में हमसे पावर पूछा है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर जिसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट का प्रोडक्ट होता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर। और हमसे पूछा जा रहा है टॉर्क, टॉर्क होता है पी बाई डब्ल्यू, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, याद है, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले स्पीड तो गिवन है, हमको सबसे पहले बैक ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी बाय 60 इंटू ए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको भी हम डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ कंडक्टर गिवन है 400, ठीक है, पोल गिवन है 4, ठीक है, और हमारा स्पीड गिवन है 1500 आरपीएम, ठीक है। और यहाँ पर ए जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो इक्वल टू पी होगा, क्योंकि यहाँ पर लेप वाइंडिंग का बात हो रहा है। हम लोग डीसी मशीन में दो प्रकार का वाइंडिंग करते हैं, एक लेप वाइंडिंग एक वेव वाइंडिंग। तो यहाँ पर लेप वाइंडिंग है इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल होगा नंबर ऑफ पोल के, लेकिन अगर वही वेव वाइंडिंग का बात होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होगा, चाहे हमारा कितना भी नंबर ऑफ पोल हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे यहाँ पर जेड भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, पोल भी गिवन है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी गिवन है, ठीक है। तो गिवन जो नहीं है वो हमारा फ्लक्स है, लेकिन हमारा एवरेज फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 0.4 टेस्ला। तो अब हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। तो
यहाँ पर लिख सकते एवरेज फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूनिट बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर हम बोलते हैं टेस्ला। तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को हम लिख सकते हैं फ्लक्स पर पोल इनटू नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे एरिया किसका लेंगे, तो यहाँ पे एरिया जो लेंगे सिलेंड्रिकल एरिया लेंगे आर्मेचर सरफेस का, तो सिलेंड्रिकल एरिया ऑफ आर्मेचर सरफेस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तब इसको सॉल्व करते हैं, तो फ्लक्स पर पोल फाई इंटू नंबर ऑफ पोल पी डिवाइडेड बाय सिलेंड्रिकल एरिया ऑफ आर्मेचर सरफेस, तो सिलेंड्रिकल एरिया क्या होगा, टू पाई आर इंटू एरिया इंटू लेंथ, पेरिफेरल इंटू लेंथ हो जाएगा हमारा एरिया, सिलेंड्रिकल एरिया आर्मेचर सरफेस का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस चीज को हम लिख सकते हैं फाई पी डिवाइडेड बाय टू आर इक्वल टू होता है डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू टू इंटू रेडियस, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई डी एल, क्लियर है। तो ये हमारा मिल गया एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि पोल पिच किसको बोलते हैं, तो पोल पिच इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल आर्मेचर सरफेस मीन्स टू पाई आर डिवाइडेड बाय पोल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पोल पिच इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल, ये दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग पोल पिच के बारे में जान गए, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला जान गए, इतना इतना दूर तक तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बैक ईएमएफ इक्वल टू फाइव जेड एन पी बाई 60 इंटू ए कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल ई जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ पर कंडक्टर होता है बी इंटू एल इंटू बी, जहाँ पर बी हमारा जो होता है वो है नॉन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, लेंथ हमारा जो होता है इसको एल से डिनोट करते हैं, और वी जो होता है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी को हम इस तरह भी ले सकते हैं ओमेगा इंटू टी एंगुलर स्पीड इंटू सॉरी रेडियस, ठीक है, तो एंगुलर स्पीड को हम लिख सकते हैं टू पाई एन डिवाइड बाय 60 इंटू रेडियस को लिख सकते हैं डी बाय टू डायमीटर बाय टू, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मिल गया मुझे पाई एन डी बाय 60, और एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का भी फॉर्मूला हम लोग निकालें जो आया था 5p डिवाइडेड बाय पाई डी एल, ठीक है। अब हम e इक्वल टू लिख सकते हैं 5 फ्लक्स डेंसिटी की जगह पर लिखें 5p डिवाइडेड बाय पाई डी एल, ठीक है, इनटू l ऐसे ही लिखा जाएगा, v की जगह पर लिखेंगे पाई एन डी डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर सब कुछ कैंसिल होने का, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद मुझे इंड्यूस ईएमएफ पर कंडक्टर मिलेगा 5p इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, जहाँ पर हमारा 5p जो है वो है फ्लक्स कट वन रिवोल्यूशन में एक कंडक्टर के द्वारा जितना फ्लक्स कट हुआ है वही हमारा 5p है। कह सकते हैं फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन, ठीक है, और n बाय 60 है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो पर कंडक्टर का फॉर्मूला आ गया हमारा पी फाई इंटू एन डिवाइडेड 60 पर कंडक्टर, लेकिन अगर नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में लगा हुआ पर फेज तो हम लिख सकते हैं एवरेज ईएमएफ, इसको कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, पी फाई जेड डिवाइडेड 60 इंटू जेड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इच कंडक्टर पर कंडक्टर का था इतना, लेकिन नंबर ऑफ कंडक्टर है तो इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है।
तो ये हमारा एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर डीसी मशीन का हम बात करें तो डीसी मशीन में क्या होता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर लगा होता है बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव ब्रश के बीच में, ठीक है। तो जिसके वजह से तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो होता है वो डिवाइडेड होता है बाय द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो हमारे डीसी मशीन में जो इंड्यूस ईएमएफ ई जो होगा वो होगा बिटवीन द पॉजिटिव ब्रश और नेगेटिव ब्रश के बीच जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा φZ n P/60 × A, जहाँ पर P नंबर ऑफ पोल है, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, Z कंडक्टर, N स्पीड, φ फ्लक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हमारा डेराइव हो गया E का वैल्यू इतना, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पोल शू का लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन है 0.4 टेस्ला, एंड डायमीटर गिवन है आर्मेचर का वह 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करना है ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो होता है बैक ईएमएफ इनटू आईए आर्मेचर करंट, ठीक है। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/W, पी जो होता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर जिसको हम बोलते हैं ईबी बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को बोलते हैं 2πNS डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डीसी मोटर ओनली गिवन है, यहाँ पे गिवन नहीं है कि जो हमारा मोटर है वो सीरीज मोटर है या फिर शंट, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सीरीज मोटर। तो कैसे फिगर होता है, यहाँ एक फील्ड वाइंडिंग होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक आर्मेचर होता है, इस टाइप का हमारा सर्किट डायग्राम होता है। यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ये हमारा सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है मोटर इज ड्रॉइंग ए 25 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करंट जा रहा है वो 25 एम्पियर है, तो यही करंट हमारा आर्मेचर में भी जा रहा है, तो ये करंट जो होगा इसको हम बोल सकते हैं आर्मेचर करंट। तो हमारा 25 एम्पियर आर्मेचर करंट गिवन है, क्योंकि हमारा फील्ड सीरीज फील्ड और हमारा आर्मेचर दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हमारा आर्मेचर करंट और लाइन करंट दोनों इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम E = हमारा क्या होगा, φZ n P/60 × A। फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको एवरेज फ्लक्स डेंसिटी गिवन है और हम लोग फॉर्मूला निकाले थे एवरेज फ्लक्स डेंसिटी = होता है φP/πdl, ये हमारा होता है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी हमें गिवन है 0.4 × π × d, हमारा क्या है डायमीटर ऑफ आर्मेचर, ये दिया है 30 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? लेंथ हमारा गिवन है पोल शू का वो है 20, वो भी सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइडेड बाय पोल, टोटल नंबर ऑफ पोल गिवन है 4, इतना इक्वल टू हमारा मिलेगा फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स को सॉल्व करेंगे, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0.0188। तो फ्लक्स को हम डिनोट कर यूनिट देते हैं वेबर, तो ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू आया। अब हम लोग जानते हैं कि बैक ईएमएफ = होता है φZ n P/A × 6। तो यहाँ पर लेफ्ट वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ = हो जाएगा नंबर ऑफ पोल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं φZ n P/P × 60, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, तो फ्लक्स का वैल्यू आया 0.0188, फिर हमारा गिवन है 1500 और जो कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्टर गिवन है 400 डिवाइडेड बाय, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है बैक ईएमएफ का 188 वोल्ट, ठीक है। अब बैक ईएमएफ मिल गया तो ग्रॉस मैकेनिकल जो पावर होगा वो होगा बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट,
और आर्मेचर करंट गिवन है 25 एम्पियर, तो 188 इंटू 25, तो जो ग्रोस मैकेनिकल पावर आएगा वो होगा 4.7 किलो वाट। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी बाई डब्लू, पी होता है बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई एनएस डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट आया है 4.7 इनटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू 1500 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इनटू 60। सॉल्व करने पर जो टॉर्क का वैल्यू आएगा वो होगा 29.9 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू है, तो यहाँ पर टॉर्क का जो वैल्यू आया वो आया 29.9 न्यूटन मीटर, और हमारा जो ग्रोस मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ था वो आया, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो आया हमारा 4.7 किलो वाट। ठीक है।